गुरुग्राम की अरावली रिट्रीट के A33 फार्म हाउस के स्विमिंग पूल से बरामद हुए संदिग्ध शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मृतक अमित की हत्या करके उसके शव को स्विमिंग पूल में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शव पर कई जगह चोट के निशान होने का भी खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला 37 वर्षीय अमित मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज का काम करता था और 24 अप्रैल यानी सोमवार की शाम अपने मालिक अंकुर जैन व अन्य साथियों के साथ अरावली रिट्रीट के A33 नंबर फार्म हाउस में प्रमोशन की पार्टी के दौरान पहुंचा था, लेकिन मंगलवार को उसका शव संदिग्ध हालत में गुरुग्राम पुलिस ने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल से बरामद किया था। इस मामले में DCP साउथ ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ संदिग्ध चीजें सामने आई हैं, जिनके आधार पर हमने धारा 302 के तहत मामला दर्ज, मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। 24 एवं 25 अप्रैल की रात्रि में अरावली रिट्रीट नाम के एक रिजॉर्ट पे एक अमित नाम के व्यक्ति की तथाकथित तौर पर डूबने से मौत के बारे में सूचना मिली थी, जिस पे गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की कार्रवाई शुरू करी। मृतक की कार्रवाई के दौरान जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की ओपिनियन में बताया गया कि इसमें हो सकता है कि गला दबाने से हत्या की गई हो, जिसका तुरंत संज्ञान लिया गया और इस संबंध में 111 नंबर FIR भोंडसी थाने में 29 अप्रैल 2023 को दर्ज कर दी गई है और जिसमें साक्ष्यों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है और फार्म हाउस के CCTV कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले उन्हें खंगाला जा रहा है। पुलिस मृतक के दोस्तों से लेकर फार्म हाउस संचालकों और फार्म हाउस स्टाफ से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है और क्या खुलासे होते हैं। पंजाब के CCTV के लिए गुरुग्राम से निर्जोशिष्ट की रिपोर्ट।